मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्या 1992 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारे पार्लियामेंट से तैयार हुआ? आप पहले पार्लियामेंट में तो डिस्कस करें कि क्या इस एक्ट में हम डाइल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता। अंटिल अनलेस इस एक्ट में डाइल्यूशन नहीं होगा, किसी भी कोर्ट में ये मुद्दा जायज ही नहीं है, टिक ही नहीं सकता, क्योंकि एक तय हो गया पैमाना, और वो पैमाना इसलिए तय हुआ कि मैं भविष्य उत्तर में दे दूं भारत जरा का विधिक भविष्य तौर पे। सुरक्षित भगत रहे जी, और हाँ हर रोज आप लाठी वैसे जी आ डंडे रही के हूँ, साथ जम पर जो है गुंडागर्दी ना करें, लाठी डंडे के साथ जाके दुकानें बंद करा गुंडागर्दी दो, कहाँ लाठी हुई डंडे है? के साथ जाकर गुंडागर्दी के तो आप अजान बंद लेकर करा अपने बीच दो, में, लाठी डंडा लेकर के, ये गुंडागर्दी देश में क्या चल रहा है? हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? आप कानून से चलते हैं या लाठी डंडे से चलते हैं, ये बताइए पहले। गौरव लाठी भाटिया डंडे जी, ये देश का गौरव क्या भाटिया जी, व्यापार है? कानून ठीक से है, देश वहां चलेगा या सम्मेलन लाठी बहुत डंडों हुआ से है, जब चलेगा? मांग करी है उसमें ये चलिए लाठी डंडे तो ये नहीं हो रहा है, अब तो लेकर ही नहीं आए, ठीक है आतिक जी, आपने मैं तो इसका ये ठीक है जवाब दिया। ओके अरे आप। गौरव भाटिया जी, विश्व जयंत जी से पांच बाद में साल आपकी बात एसएसटी में होगी, रहकर के ठीक है। आपने एक क्या बार गौरव किया, उसका भाटिया जी, जवाब दीजिए ना वो कह जनता रहे हैं कि को। लाठी डंडों से देश चलेगा या फिर कानून से चलेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, एक महिला को कहना कि वो भिखारी कटोरा लेके ऐसे सामने आई है। मैं भी कह सकता हूं कि पंचर छाप, 10 रुपए का पंचर बनाते हो पूरे जीवन में, 10,000 पंचर बनाओगे, 1 लाख रुपए अभी भीख देता हूं, उचित नहीं लगेगा, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती चित्रा जी। और जो मेरी बहन यहां बैठी है ना, उसके लिए करोड़ों करोड़ों भाई खड़े हो जाएंगे, कभी भी इस तरह की गलत टिप्पणी एक भाई महिला के लिए ठीक है, नहीं उन्होंने पंचर खेद बनता। जता लिया है, लेकिन दूसरी थोड़ा बात, सा इन्होंने गौरव भाटिया विश्व जी गुरु की प्लीज, कही। हाँ उनके सवाल पर जवाब, नहीं, थोड़ा सा आप नहीं, गलती गलती पुलिस से बचे, उन्होंने पंचर खेद जाहिर कर साटने दी। का एक काम सब सेकेंड लोग शोएब जी करते हैं। प्लीज, हाँ मैं अब उन्हीं के इस सवाल पे देश आ का रहा जो था। पंचर आपने किया है ना, इस देश का प्लीज जो पंचर किया उसको साटने चुप में इस कराइए, देश को बहुत वक्त चुप लग कराइए, जाएगा, चुप उस कराइए। देश का जो देखिए आपने पंचर कर दिया इनको उस पर चुप चिंता करा लीजिए, कीजिए, वरना मैं वरना जानता इसको हूं इन लोगों इनको से जाना, मेरे कैसे देश में निपटना कोई है। गाड़ी चुप का पंचर कराइए, लगा चुप था, वहां कराइए, पे कोई वो गलती हमारे नहीं थी, भाई तो का सब नाम ओके राम सब नरेंद्र आराम अग्रवाल से। है। आप बड़े अब लोग जवाब सुनिए सारे शोएब उसको, जमे जी, गौरव प्लीज भाटिया चित्रा जल्दी जी से, ये जोशी गलत जैन बात जी है। इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे ये हैं। आप ठीक है शोएब जमे जी, आप ठीक है मैं जवाब ले कम्युनिटी लेती हूँ, बुनियाद पर मैं बात तो सवाल आपत्ति कर को दिया चुप है, मैं कराएंगी जवाब तो ले मैं लेती अपनी हूँ, बात मैं जवाब रखूंगा। ले लेती हूँ शोएब जमे जी, आराम से। गौरव भाटिया जी प्लीज, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दों पर हम बात करें। गौरव भाटिया जी बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए मुझे अच्छा लगा इन्होंने कहा भारत ऐसे विश्व गुरु थोड़ी ना बनेगा, लेकिन ये विश्व गुरु कैसे बनाना चाहते हैं मैं आपको बताऊं। मुस्लिम महिला हलाला के लिए एक सामान बन जाए, एक बच्ची पढ़ने जाए हिजाब पहन के क्लासरूम में, तो विश्व गुरु बन जाएगा। अफजल गुरु इनका हीरो बनेगा तो वो हमारा देश विश्व गुरु हो जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेश से लाखों लाखों आएंगे क्योंकि मुस्लिम है, इनके साथ तार जुड़े हैं, तो कहेंगे विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं चित्रा जी, ये जो इस तरह के तर्क दिए जाते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, मेरे हाथ में जो एक्ट चैलेंज हुआ, ठीक है, उसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑर्डर है, तारीख है 26 मार्च 2021। 26 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, ये मांग रखी गई और इस पे नोटिस कर दिया। कौन सा इलेक्शन था तब बताइए। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो बोर्ड उल्टा गणेश जी और पिंजरे वाले गणेश जी, हर सेकंड जो वहां दिख रहे हैं ये गलत हो रहा है। न्यायालय में गुहार लगानी चाहिए कि न्यायालय को इस पे तुरंत रोक लगा के इसको ठीक कराना चाहिए, ये अंतरिम आदेश हो। और ये बात मैं अधिवक्ता होने के नाते कहता हूं, इससे हर हिंदू अरे भाई, व्यक्ति को, हर जैन व्यक्ति को ठेस अरे भाई, होती यहाँ है। से और एक जो बात और कह दूं, कोई एनएमए अनादर ने नहीं जो करना रिक्वेस्ट किया चाहता, है वो लेकिन अगर मंदिर वहां यही मूर्ति को एक हटाने का कुरान क्या है के ना, साथ हुआ तो होता हटवा तो दीजिए, ये किसी लोग खुद संग्रहालय में रखवा सारे दीजिए, शस्त्र विवाद खत्म अस्त्र हो जाएगा। लेके AK-56 लेके बाहर आ जाते। वो कह नहीं रहे नहीं हैं चुप हो जाइए, गले आप की बीच मूर्ति में को मत बोलिए, हटाने की बात अभी आप अगर कही इतने जा रही है तो समझदार नहीं हटा हुए दीजिए। कि मेरे बीच में मैं बोले। यही तो कह रहा हूं ठीक है, कि शोएब जी मैंने मस्जिद सवाल पूछ लिया है, विष्णु जैन भी कुछ जवाब देना चाह क्यों, रहे हैं, एक मिनट मैं आपका एक उत्तर दे लाइन में दूं, सवाल। गौरव क्यों भाटिया जी वो क्यों कह रहे हटा हैं, दे चित्रा जी, मुझे क्यों तो कोई हटा दे। परेशानी नहीं भाई, मंदिर हाँ वहां चित्रा मस्जिद जी, एक में बात मूर्ति बताइए, का क्या आपका अधिकार घर है हो, ना। चुप हो जाइए, एक मैं मिनट तो चुप खुद होइए, यही कह रहा हूँ इनको जो चुप कराइए एनएमए ने जो पहले, लेटर एनएमए दिया की है, ओर चुप से, कराइए एनएमए एनएमए की की ओर ओर से, से प्लीज ये चिट्ठी लिखी चित्रा गई जी है। चुप कराइए, हाँ ठीक है वो चुप एनएमए है, ने एक कहा सेकंड कि ठीक है मैं उस जवाब ले मूर्ति लेती को हूँ, कोई ओके उठा करके करके संग्रहालय ठीक है, में हाँ एनएमए मैं की उत्तर ओर दे से दूँ, कहा गया है। गौरव भाटिया जी संग्रहालय में रखने चुप की कराइए बात, एक मिनट गणेश जी की मूर्ति को जी, आ रही हूँ विष्णु एनएमए जैन जी, मैं आ रही बता हूँ रहा हूं, बात मानेंगे ना, ठीक है एक सेकंड देखिए अब अब जवाब सुन लेते हैं, रखवा दीजिए संग्रहालय में, ओके चुप हो जाइए, चुप हो जाइए।
चुप हो जाइए। एनएमए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है और तमीज से बात करना, समझे? कटोरे में बैठा के अभी सही कर देंगे तुम्हारे जैसों को, तभी इससे बात करना प्लीज, समझ गए? गौरव भाटिया जी प्लीज, भाषा की मर्यादा नहीं है ये, कैसे बोला? एक सेकंड, ये पूरे जीवन में कमाते होंगे उतना एक घंटे में कमाते होंगे, जब आपकी बारी आई थी तो वो शांति से बोल रहे हैं तो उनको सुन लीजिए, बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, ये कटोरा लेके आगे इनसे चर्चा करेंगे, बिल्कुल तो डिरेल में नहीं करने देंगे। शोएब जमील जी एक सेकंड, जमील साहब, जमील साहब, गौरव भाटिया जी प्लीज, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा हम रखें, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश प्लीज, गौरव भाटिया जी।